जी हाँ, मेरे पास दो जर्मन शेफर्ड है और वो जर्मनी से नहीं है और मेरे पास वो दोनों जो हैं। आई टेल यू समथिंग, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैंने पहला अपना डॉग जब लिया था व्हेन माय सन वाज बॉर्न आरव, एंड आई मस्ट गिव दिस वन थिंग विच आई लर्न, देयर इज नॉट इवन वन सिंगल डे व्हेन माय ओकी, दैट्स माय डॉग्स नेम, he's always taken great care of my son. ऐसा कभी नहीं हुआ, जब वो बहुत छोटा था तब से वो उसके साथ खेलता है। Amazing how they know everything, who their person is, they have to take care of. And जिंदगी में मतलब if Oki was at home along with my son, there was nothing to worry about. मतलब वैसे कहते हैं कि हर आदमी की जिंदगी में बीवी जरूरी होती है, बच्चे जरूरी होते हैं, काम जरूरी होता है, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही लर्न्स अ लॉट, ही शुड हैव अ पेट, दैट्स द मोस्ट। बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप फिल्मों की चीजें बहुत सीरियसली लेते हैं और मजाक को मजाक नहीं समझते। आई एम श्योर आप शादीशुदा हैं, नहीं है तो फिर आप अगर सीरियसली ले रहे हैं तो भगवान की कसम है आज शादी मत करना बेटे, ऐसे कुंवारे ही रह जाना, तो काफी पुरानी है, ऐसे मजे मजे के तौर से लीजिए और एंजॉय करिए, ना कि सीरियस हो जाइए इसके बाद। दिस इज द बेस्ट फ्रेंड, दैट्स व्हाट दे ऑलवेज से, आई थिंक मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज डॉग। आई थिंक ये जो स्टेटमेंट इटसेल्फ है, यू विल अंडरस्टैंड इट कि कितना भारी स्टेटमेंट है, और इसके अंदर हम अपने तुलना इंसानों के साथ नहीं कर सकते। हम अपनी तुलना अगर हमारे साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक आदमी की जिंदगी में एक पेट होना बहुत जरूरी है, उससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो मेरी जब फिल्म का जब पैकअप हुआ था, हमने सारी शूटिंग, काफ़ी शूटिंग बैंकॉक में की है, और इट वॉज वेरी हार्ड टू लीव द होल फिल्म दैट डे, बिकॉज वी न्यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी मीटिंग द मेन हीरो ऑफ द फिल्म, एंड दिस इज द फर्स्ट फिल्म जहां मैं, लोग जब पिक्चर देख के निकलेंगे ये नहीं कहेंगे कि यार गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू से देयर नॉट गोइंग टू बी गागा ओवर मी, देयर गोइंग टू बी fall in love with the dog more than me, and also the same thing happened with me also. मतलब मेरी chemistry dog के साथ ज़्यादा थी, sorry तमन्ना, so it was so much fun, so that's it. This film entertainment happened because of the soul of the film. जब साजिद फराद narrated the script, and in my career of 300 films, I had never felt so, I heard a script which was so endearing and so beautiful, and all actors used to stay on the door, entertainment used to come. It's not that we were waiting for it, because we were waiting because the soul of the film, the way they told the story, and it's a very different film which touched us. I think it brought the child in us. If you see a Lion King, and if you can believe a lion can talk, and I think this is how you have to see this film. It was a pure fun. And it was the whole pureness of the script which is a joy. So as you know, dialogues is just, it's just a rip tickling, funny, barking lines. But then the film is beyond that, and I'm really proud. I think I'm sure that all of us are really proud to be associated with a film where it is such an unlearning process. I wouldn't ever call that dog a dog. I think he is my co-actor, and he was wonderful. जो भी मैं करना चाहता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, फिर मैं ये फिल्म में एक्शन करना चाहता हूँ, फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट एवर आई सिलेक्टेड, बिकॉज नो प्रोड्यूसर कैन पुट अ गन ऑन माई हेड एंड से यू हैव टू डू इट, दे कम आउट विद द रोल्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट एट वॉट टाइम आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, एंड दैट इज ऑल। Obviously my scenes were more with Akshay, so I think I had good chemistry with Akshay, and I enjoyed acting with him, I enjoyed performing with him, because he's a brilliant actor. He can take a very simple scene and make it extraordinary. He's an actor who's gifted with that, and as this entire conference was started with the fact that I'm actually worried about Akshay, because he doesn't seem to grow old, and that is something of my serious concern. I just want to know how that happens. So anyway, that is one thing. And well, for me, this film was actually a life-changing film, because after I worked in this film, I went and I got myself a puppy. So for me, my entire, the way I look at having a pet at home has changed, and now I actually have one at home. So it's like it has changed my world, and it's an amazing experience to have
a puppy at home. It makes the whole house very lively. And I feel like a kid again. So thanks to Its Entertainment and the entire team to make me realize such a beautiful thing in life, which I would...